तो हम बात कर रहे थे रिक्स की, तो रिक्स के तहत हमने देखा कि भाई रिक्स ने किन किन किस किस तरीके से बात करी है। उसने कहीं ना कहीं अपनी एक पुस्तक में इसका जिक्र किया था, जिसमें उसने प्रशासन और उसके परिवेश के बीच के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश की थी। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि भाई रिक्स ने पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम की सहायता से उसने कहीं ना कहीं पारिस्थितिक सिद्धांत को समझने की चेष्टा की। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम को सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो के द्वारा 1955 में प्रयोग में लाया गया था। हमने देखा कि भाई रिक्स ने बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई करे थे पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के संदर्भ में। तो इसी दिशा में विकासशील समाजों के प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ग्लोबल व्यवस्था का अध्ययन करते हुए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो मुख्यतः तीन हैं। कहने का मतलब यह है कि जब उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए पारिस्थितिक सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए, उसने बहुत सारे नमूने इकट्ठे किए, उन नमूनों को इकट्ठा करने के आधार पर वो निष्कर्ष पर पहुँचा कि सामाजिक व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं, यानी किसी भी समाज में किसी भी व्यवस्था के जो आदर्श प्रारूप हैं वो तीन हैं। उन तीन आदर्श प्रारूपों की वो बात करता है। तो ये तीन नमूने कौन कौन से हैं? तो पहले नमूने के आधार पर ये कार्यात्मक समाज की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अल्प कार्यात्मक समाज, दूसरा जो आदर्श नमूना है कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं का, वो दूसरा आदर्श नमूना क्या है? अल्प कार्यात्मक समाज है। और तीसरा संपर्शीय समाज प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ये बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिज्मेटिक सोसाइटी की, तो ये बात करते हैं संपर्शीय समाज। इसमें रिक्स कहता है कि भाई कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां घुले मिले विशिष्ट कार्य एक साथ किए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दो प्रकार के कार्य हैं, ये घुले मिले की बात कर रहे हैं और विशिष्ट कार्य। विशिष्ट का मतलब क्या है? जो एलीट के जो कार्य हैं, एलीट का मतलब अभिजन। अभिजन किसे कहते हैं? कि जो थिंक टैंक और जैसे डिप्लोमेसी तैयार करना, तो इस तरीके के जो उच्च वर्ग के काम हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, है ना, इस तरीके के जो उच्च वर्गीय काम है उसको विशिष्ट वर्गीय कार्यों की श्रेणी में हम उसको रखेंगे, एलिस्टिक जो वर्क है। तो इस तरीके के काम इसमें होते हैं। साथ ही साथ ये बोला कि इसमें निम्न स्तरीय काम भी होते हैं। एक तो बोला कि विशिष्ट वर्गीय काम होते हैं, दूसरे निम्न वर्गीय काम भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी जो प्रकृति है वो मिली जुली है। ये निम्न स्तरीय काम भी कर रही है और उच्च वर्गीय काम भी कर रही है। ये घुली मिली अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है, जिसे वो मिश्रित समाज की संज्ञा दे रही है। कह रहे कि मिश्रित सोसाइटी है, यहाँ पे अच्छे मतलब हाई क्वालिटी के काम भी सोसाइटी करती है एंड लोअर जो क्वालिटी के काम हैं वो भी सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें पुराने और आधुनिकता का मिश्रण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ऐसे मिश्रित स्वरूप वाले समाजों को रिक्स ने संपर्शीय समाज कहा। इसने बोला कि भाई इसमें जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी का कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कॉम्बो हमें देखने को मिलता है, इनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की सोसाइटी को उसने मिश्रित सोसाइटी बोला है कि भाई इस तरीके के जो समाज है वो मिश्रित समाज है। रिक्स के अनुसार संप्रेषीय जो समाज है उनकी तीन चारित्रिक विशेषताएं, अब देखो यहाँ पे तीन और उसकी क्या कर रही है, करेक्टरिस्टिक्स हमें वो बता रहा है कि भाई तीन और विशेषताएं हैं इसकी। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? रिक्स कह रहा है कि इसकी विजातीय होती हैं, औपचारिक होती हैं और अति आच्छादन की प्रक्रिया इनमें देखने को मिलती है। तो समझ लेते हैं कि रिक्स के द्वारा जो संप्रेषीय समाज की तीन चारित्रिक विशेषता होती है उसमें रिक्स किस तरीके की बात कर रहा है। पहले पे विजातीय में कह रहा है कि ये जो समाज है ये विभिन्न व्यवस्थाओं के मिश्रण से बना होता है। विजातीय समाज, इसमें एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं, कुछ लोग हाईटेक होते हैं, और उनकी जो नेचर होता है अलग अलग नेचर के ये सिस्टम होते हैं। तो सभी सिस्टम क्या होते हैं, इसमें मिलकर के काम करते हैं, यानी मिश्रित मान के चलो, सभी सिस्टमों का मिश्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। ये कहता है कि इसमें जो ग्रामीण जो शहरी जो परिवेश है इनकी एक बहुत अच्छी मतलब कहीं ना कहीं अच्छा मिश्रण इनका देखने को मिलता है, जहां इस विजातीय समाज में ग्रामीण जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग देखने को मिलता है, वहीं शहरीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है इस प्रकार की विजातीय समाज में। आप नॉर्मल से इसको बोल सकते हैं कि जिस तरीके का हमारा फेडरल का कंसेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांतीय गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है फेडरल सोसाइटी में, वैसे फेडरल सोसाइटी का एग्जांपल लेना इसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल समझने के लिए इसको जोड़ सकते हैं कि भाई ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के काम ये करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो फेडरल सोसाइटी में आप देखते हैं कि इसी तरीके का काम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट
जहां सेंटर में बहुत अच्छे काम करती है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हीं नीतियों को अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से उनको क्या करती है, अप्लाई करती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक हमें एज देखने को मिलता है अलग अलग फीस में सेंटर एंड स्टेट एंड तुम्हारा लोकल एरियाज में, जैसे स्थानीय एरिया पर नगर पंचायत स्टेप से। तो इस तरीके के काम कहीं ना कहीं विजातीय समाज में देखने को मिलते हैं। विजातीय का मतलब सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि भाई एक ही जाति नहीं, अलग अलग ट्रेडिशनल को वो मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी औपचारिकता की, ये बात करता है औपचारिकता के तहत। ये कह रहा है कि नियम कानून नाम मात्र का, अब ये बोलता है कि औपचारिक जो समाज है या इसकी जो औपचारिकता, औपचारिकता के दायरे में जो इसकी जो विशेषता है किसकी, संपर्क समाज की, ये बोलता है कि भाई ये कहीं ना कहीं नियम कानून से तो बहुत अच्छी तरीके से भरे हुए होते हैं, लेकिन इनमें करप्शन हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो नौकरशाही प्रवृत्ति है वो अपने चरम पे देखने को मिलती है। नौकरशाही का मतलब इन द सेंस कि इनमें बहुत ज़्यादा अपना एटीट्यूड होता है लोक सेवकों में, और ये जनता की जो भलाई है उसके बारे में उतने अदत नहीं होते हैं, या उतनी बढ़िया तरीके से इनके अप्रोच कहीं ना कहीं वेलफेयर के तरीके से ये काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके की ये बात करते हुए पाया जाता है औपचारिकता में। देखो औपचारिकता का मतलब ये कि ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो इसकी जो पूरा जो एक जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सोसाइटी का जो एक वो है, जो एक फ्रेम है, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ रहता है, एक लीगली तरीके से उसको फ्रेमिंग कर रखी रहती है, लेकिन इस कमियां ये है कि ये जो लोक सेवक हैं इनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भावना हमें देखने को मिलती है, और ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। इस तरीके के लोप हॉल्स कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में देखने को मिलते हैं औपचारिकता में। उसके बाद ये बात करता है अति आच्छादन। तो आधुनिक व्यवस्था के कार्यों को करने में प्रशासन की रूढ़िवादी जब प्रवृत्ति विद्यमान होती है या झलकती है, तो ऐसी उसको वो अति आच्छादन की श्रेणी में रख रहा है। वो कह रहा है कि कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जिनमें मॉडर्न तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही वाली बात है कि भाई जैसे आपने गांव में देखा होगा हमारे पहाड़ के एरिया में लड़कियां बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न समझती हैं, जो गांव की लड़कियां रहती हैं और मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वो मतलब नकल करती हैं सामने दूसरे की। तो वो जैसी नकल करती हैं तो ठीक है, ऊपर का तो पहन लेती हैं, लेकिन नीचे की मैचिंग उनको समझ नहीं आती, तो नीचे वही ट्रेडिशनल चल रहा है उनका पुराना सा, वही ऊपर पहनने की वो टी शर्ट पहन लेगी, नीचे से उनका वही सलवार वगैरह चल जाएगा, जबकि उसके साथ नॉर्मल ट्राउजर का एक प्रचलन है या जींस का इस पर प्रचलन है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके की बात कर रहा है अत्याचारण में, कि कोशिश तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न की करते हैं, लेकिन होता इनसे क्या है, इनके व्यवहार में जो है वो परंपरागत व्यवहार को ही ये लागू कर पाते हैं, यानी इनकी नीतियाँ और कार्य करने की जो शैली है वो परंपरागत व्यवहार से प्रभावित होती है। तो इस तरीके से ये अत्याचारण को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है कि भाई इस तरीके की सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये समझ में आ गया।